दोस्तों आज सिखाऊंगा मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आपका और मैं हूँ सेफ चंद। दोस्तों मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आप पैन में घी या तेल रखिए। गर्म होने के बाद इसमें डालिए गरम मसाला, इसमें डलेगा 1 चम्मच जीरा और जीरा को तड़का लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद डालिए इसमें चॉप ऑनियन को थोड़ा ब्राउन होने तक पका लीजिएगा और चॉप ऑनियन हल्का पकने लग जाए तो गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालिए इसमें 1 चम्मच, इसको भी हल्की आंच में पका लीजिएगा। अनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी, थोड़ा काजू का पेस्ट, इसमें डालिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डलेगा इसमें नमक, पानी और इसको 5 से 6 मिनट हल्की आंच में पका लीजिएगा इस तरीके से। बढ़िया ग्रेवी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें डलेगा 1 चम्मच कटी हुई बारीक हरी मिर्च, फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी, 1/3 चम्मच इसमें गरम मसाला डालिए फ्लेवर के लिए। इसके बाद इसमें डाल दीजिए ताज़ा मटर के क्यूब्स जिसको मैंने फ्राई कर लिया था हल्का, थोड़ा सा हरा धनिया, फिनिशिंग के लिए 2 चम्मच इसमें क्रीम, तो मलाई भी डाल सकते हैं, और इसको सारे को मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। और दोस्तों तैयार है स्वादिष्ट एंड जायकेदार मटर पनीर की सब्जी जिसको आप अपने घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अब आप भी बना सकते हैं बड़े आसानी से अपने घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी अपने परिवार के लिए। इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर दूंगा क्रीम का, देख सकते हैं, 2 पीस टमाटो का और हरा धनिया। तो फ्रेंड्स आप लीजिए मटर पनीर का स्वाद अपने परिवार के साथ अपने घर पर और स्वस्थ रहें मस्त रहें। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसे लगी अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। थैंक यू।